के भाई इंची दे पवा के टायर कम देनी तेरे शहर कम दे गड्डी नीवी जी करा के भाई इंची दे पवा के टायर कम दे गड्डी नीवी जी करा के भाई इंची दे पवा के टायर कम देनी तेरे शहर कम दे गड्डी नीवी जी करा के भाई इंची दे पवा के टायर कम देनी तेरे शहर कम दे हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज मेरे पास दो बाइक है। राइट हैंड साइड में आपको जो बाइक दिख रही है ये 2023 की हीरो एक्सपल्स प्रो एडिशन है, एकदम से नया बाइक है। हालांकि बाइक का इंजन वगैरह हीरो एक्सपल्स वाला ही है, बट पहले आपको अगर एक्सट्रीम ऑफ रोड करना है तो आपको जो रैली किट है वो लेना पड़ता था, बट अब हीरो ने वो झंझट है ना अलग कर दिया है। अब उन्होंने पूरा का पूरा किट आपको बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल करके दिया है और ये गाड़ी का नाम दिया है हीरो एक्सपल्स प्रो एडिशन। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 2023 का नया वाला हीरो एक्सपल्स 200 है, जिसमें कंपनी ने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। अब वो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, दोनों बाइक में क्या डिफरेंसेस है, वो आपको मैं ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जो प्राइस वगैरह है ना वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है दोनों बाइक का। ये तो एकदम से नया बाइक है एंड ये वाला जो बाइक है ये पहले आता था मार्केट में, बट अभी जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद में इसका प्राइस अभी अनाउंस हुआ नहीं है, तो प्राइस मैं आपको अभी बता नहीं पाऊंगा, बट जैसे ही प्राइस आ जाएगा पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा। एक ये डिफरेंस है। अब दूसरी बात ये है कि भाई ये जो गाड़ी है ना एक अलग चीज के लिए है, अलग पर्पज के लिए है। ये गाड़ी एक अलग पर्पज के लिए है, जिनको थोड़ा ऑफ रोड करना है, जिनको थोड़ा बहुत यू नो टूरिंग वगैरह भी करना है, एडवेंचर वगैरह भी करना है और सिटी में भी राइड करना है, मतलब एक ही बाइक चाहिए हर चीज़ के लिए, तो ये बाइक ले सकते हैं। और जो लोग जिनको ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोड करना है, एडवेंचर करना है, उनके लिए ये बाइक परफेक्ट है। क्योंकि अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैंने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया, वो भी आप देख सकते हैं, पूरा वॉक अराउंड मैंने किया है। तो ये उनके लिए जिनको एक्सट्रीम ऑफ रोड करना है या फिर एडवेंचर करना है उनके लिए बाइक है। ये 159 किलो की है, ये जो बाइक है ये 161 किलो की है, 2 किलो का इसमें वजन का फर्क है। दूसरा फर्क जो है वो डिफरेंस है वो है कि इसकी सीट हाइट है 825 mm, इसकी सीट हाइट है 891 mm। अगर आपको ये बाइक को चलाना है और दोनों तरफ आपको पैर रखने हैं, चला तो आप सकते हैं अगर आपको अच्छी बाइक राइडिंग आती है, बट अगर आपको दोनों पैर नीचे रखने हैं ना तो आपकी हाइट मिनिमम 6 फीट होनी चाहिए। मेरी हाइट है 5.8 फीट। अगर मैं ये गाड़ी को आपको बताता हूँ, देखो मेरे को सीधा करना भी नहीं हो रहा है बाइक को, तो मेरा एक ही पैर ऐसे मैं नीचे टिका सकता हूँ। अगर मेरे को दोनों पैर नीचे टिकाने हैं ना तो मुझे ऐसा मेरे पैर रखना पड़ेगा, मतलब टिपटो करना पड़ेगा। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट है, उससे ज्यादा है, तो ही आप ये बाइक पे दोनों पैर फ्लैट धरती पे रख सकते हो। बाकी ये बाइक की जो सीट हाइट है वो है 825 mm, मतलब अगर आपकी हाइट 5.6-5.7 भी है तो भी आप ये बाइक को आराम से चला सकते हो। सेम आपको जो पेट्रोल टैंक है वो मिलता है 13 लीटर का। बाकी जो अपग्रेड हुआ था इसमें 2023 की जो एक्सपल्स 200 है, इसमें आपको फुल्ली एलईडी लाइट मिलती है। यहाँ पे आपको एलईडी लाइट मिलती है, नीचे आपको एलईडी प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, यहाँ पे आपको डीआरएल दिया गया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्रोम पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे दिया गया है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रैली एडिशन का विंडशील्ड मिलता है, साथ ही साथ में अगर आप इसके टायर देखोगे ना तो दोनों के सेम टायर हैं। इसमें भी आपको 21 इंच का टायर मिलता है 90x90 का, इसमें भी आपको 90x90 का 21 इंच का टायर मिलता है। ये ट्यूब वाले टायर हैं, स्पोक व्हील्स आपको दिए गए हैं, स्पोक व्हील्स का जो जो रिम है उसको कंप्लीट ब्लैक्ड आउट कर दिया गया है। इसमें भी आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, इसमें भी आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। आपको एबीएस के मोड मिलते हैं, 3 एबीएस के मोड मिलते हैं, एक ऑफ रोड हो गया, दूसरा रोड हो गया और तीसरा रैली हो गया। रोड में जो एबीएस है वो सामने, मतलब सिंगल चैनल एबीएस है तो सामने का जो एबीएस है वो चालू रहेगा। रैली में अगर आप इसको यूज करते हो, जो रैली मोड है एबीएस का वो यूज करोगे, तो थोड़ा सा जो एबीएस की सेंसिटिविटी है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर आप ऑफ रोड में यूज करते हो तो एबीएस आप कंप्लीटली बंद कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो प्रो एडिशन है इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिलता है 270 mm का, मतलब मैं लिटरली इसके नीचे से निकल सकता हूँ, मैं इसके नीचे से निकल सकता हूँ, इतना ज्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 220 mm का। अगर आप नॉर्मल ऑफ रोड करते हैं, एडवेंचर करते हैं, तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस का इश्यू भी नहीं रहेगा। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको भयंकर वाला ऑफ रोड करना है, एडवेंचर करना है, तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट रहेगी, बिकॉज इतना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। इसके अलावा आपको दोनों ही बाइक में यहाँ पे इंजन का जो बेस प्लेट है वो मेटल का मिलता है इसमें और इसमें, दोनों में आपको इंजन का जो सेफ्टी है और जो गार्ड है वो आपको मेटल का मिलता है। इसके अलावा अगर आप इसका फुटपैक्स देखोगे ना, इसका और उसका सेम फुटपैक्स आपको देखने को मिलता है, बट अभी फुटपैक्स को ऑलमोस्ट 15 mm नीचे कर दिया गया है। उससे क्या होता है, अगर आप गाड़ी के ऊपर बैठते हो एंड जब आप ऑफ रोड वगैरह करते हो और गाड़ी के ऊपर खड़े होकर आप चलाते हो गाड़ी को, तो वो टाइम पे आपके पैर है ना ज्यादा ऐसे मुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो आप देख लो अभी, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द बाइक लाइक दिस, आपके पैर ज्यादा मुड़े हुए, मतलब ऐसे मुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो आप आराम से टैंक को ग्रिप कर सकते हो, यू कैन इजिली स्टैंड ऑन द बाइक। सेम थिंग इज
ऑन बोथ दी बाइक्स, मतलब दोनों बाइक पे आपको सेम चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एर्गोनॉमिक्स है, स्पेशली जब आप ऑफ रोड करते हो तो वो टाइम पे आपको थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, स्पेशली जब आप ऑफ रोड करते हो स्टैंडिंग ऑन द बाइक। इसका पीछे का सस्पेंशन जो है ना, ये 10 स्टेप एडजस्टेबल है, मतलब आप 10 जो प्रीलोड एडजस्ट ऑप्शन दिए हैं वो आप यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट, हार्ड या स्टिफ सस्पेंशन आपको चाहिए, ये चीज आपको जो एक्सपल्स 2023 का मॉडल है उसमें मिलता है। बट यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस ये है कि उसका सस्पेंशन ट्रेवल मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 220 mm है, इसका सस्पेंशन ट्रेवल है 250 mm। एंड उसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। जो प्रो एडिशन है इसके अंदर आपको कंप्रेशन एंड रीबाउंड का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप 18 क्लिक्स जो है वो यूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको ट्यून कर सकते हैं। मतलब फुल्ली एडजस्टेबल आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलता है, आपको सॉफ्ट करना है, स्टिफ रखना है, सस्पेंशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो यहाँ पे कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे एक्सपल्स 200 जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको दोनों ही बाइक्स पे लूप वाले नकल गार्ड मिलते हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको लूप वाले नकल गार्ड दिए गए हैं, जो एक नया एडिशन यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा इसका जो हैंडल बार है 200 प्रो का, उसमें थोड़ा सा आपको रेज्ड हैंडल बार मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हैंडल बार रेजर लगाए गए हैं। इससे क्या है, आप व्हेन यू स्टैंडिंग ऑन द बाइक और इवन व्हेन यू आर डूइंग लेट्स से टूरिंग वगैरह कर रहे हो, ऑफ रोड कर रहे हो, वो टाइम पे यू कैन इजीली स्टैंड और आप इसको अच्छे से ग्रैब कर सकते हो हैंडल बार को, तो वो एक चीज यहाँ पे दी गई है। बाकी आपको क्लच एंड ब्रेक का जो क्वालिटी है वो काफी अच्छा है, आपको जो नॉर्मल स्विचेस मिलते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे हाई बीम लो बीम है, हॉर्न का स्विच है, साथ ही साथ आपको इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट स्विच मिलता है। एंड आपको यहाँ पे ये जो किक है वो भी दिया गया है, दोनों ही बाइक में आपको सेम चीज देखने को मिलती है। एक और एडिशन यहाँ पे किया गया है वो ये है कि अब इसके अंदर आपको जो तीन मोड में आपको बता रहा था वो तीन मोड यहाँ पे आपको सिस्टम कंसोल में देखने को मिलते हैं। LCD आपको डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है, मोड अगर आपको चेंज करना है ABS का तो यहाँ पे आपको जो M बटन दिया गया है, स्विच जो दिया गया है उसको आपको ऐसे दबाना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं, रोड, ऑफ रोड एंड रैली, ये तीन आपको मोड दिए गए हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आपको जो मोड बटन है उसको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, तो ये अपने आप सेकंड वाले मोड पे चला जाएगा, तो ऐसे आप इसका जो ABS का मोड है वो चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको टर्न बाय टर्न मैप और नेविगेशन मिलता है, उसके साथ ही साथ आपको इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है, LCD आपको फुल स्क्रीन दी गई है, यहाँ पे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर, RPM, स्पीड, टाइम, ऑडोमीटर रीडिंग और जो ट्रिप वन ट्रिप टू दिया गया है, फ्यूल का इंडिकेशन यहाँ पे दिया गया है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक चीज और यहाँ पे ऐड की गई है दोनों ही बाइक्स पे, वो है यहाँ पे आपको अभी चार्जर दिया गया है, पहले यहाँ पे आपको चार्जर नहीं मिलता था, तो अभी आपको USB चार्जर दिया गया है दोनों ही बाइक्स पे। 2023 का एक्सपल्स 200 है जो रेगुलर एडिशन है, इसमें आपको तीन कलर मिलते हैं, यहाँ पे जो प्रो एडिशन है इसमें आपको एक ही कलर ऑप्शन मिलता है, आपको दिख रहा है मेरे सामने, तो यही एक ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अलावा वजन का मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको 159 किलो का वजन दिया गया, इसमें 161 दो किलो का ही फर्क है, ज्यादा वो कुछ फर्क यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलेगा, बाकी हर चीज आपको सेम देखने को मिलेगी। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर ए हार्डकोर ऑफ रोडर एडवेंचर जिसको करना है तो वो ये बाइक ले सकता है, पहले आपको रैली किट लगाना पड़ता था, अब वो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे एक चीज और की जा सकती थी, यहाँ पे दोनों ही बाइक्स में अब एटलीस्ट 2023 में इतना अपडेट आपने किया है तो ड्यूल चैनल ABS अगर मिलता है यहाँ पे तो मजा आ जाता। बाकी दोनों ही गाड़ियों का जो चेन है वो ओपन चेन है, दोनों ही जो बाइक है ना वो BS6 फेस 2 इंजन के साथ आती है, इसमें भी आपको OBD टूल मिलता है, ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक। प्राइस के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्राइस इसकी अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, जैसे अनाउंस हो जाएगी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के बता दूंगा, पिन कमेंट में आपको बता दूंगा। आपका दोनों बाइक में कौन सा चॉइस रहेगा मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। इसका आपको डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने एक अलग से इसका वॉक अराउंड किया था, वो भी आप देख सकते हैं, मैंने एक राइड रिव्यू भी इसका किया है, यहाँ पे ट्रैक पे मैंने इसका राइड रिव्यू किया है, तो वो भी आपको देखना चाहिए, बिकॉज यू विल हैव थोड़ा सा आइडिया आपको आ जाएगा कि भाई बाइक चलने में कैसी है, तो वो सब आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन मेरा था जो मैंने शेयर किया है वो भी आप देख लीजिए अगर आपको खरीदना है। अब रही बात अवेलेबिलिटी की, ये कब तक आ जाएगी शोरूम में, दोनों ही बाइक्स मेरे हिसाब से विदिन ए वीक आपको दोनों ही बाइक शोरूम में देखने को मिल जाएंगी। अब फिर से आपको बता दूं, इसमें रैली एडिशन जो आता था, मतलब जो रैली किट आता था वो आपको सेपरेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से प्रो एडिशन मिलता है और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बाइक है। प्राइस में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ चेंज होगा, 8 से 10 हज़ार रुपया, मैक्सिमम 15 हज़ार रुपये का फर्क पड़ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, जो लोग नए हैं अपने चैनल पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट जरूर करके बताएं आपको ये दोनों बाइक में कौन सी बाइक अच्छी लगी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।